तो आज जो हम ये मॉइस्चराइजर बनाने जा रहे हैं वो हर स्किन टाइप के लिए, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो चाहिए कैरेट। कैरेट को वॉश करके आप उसको कद्दूकस कर लेंगे या मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आप उसे क्रश कर लेंगे। उसके बाद आप उसका एक सफाई के साथ पूरा जूस निकालेंगे। कैरेट आपकी स्किन के लिए, चाहे ऑयली स्किन हो या नॉर्मल हो, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मॉइस्चराइजर जो आज आप बनाने वाले हो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने जब ये करा, आप ये देखो एकदम फ्रेश जूस, ऑरेंज या लाल गाजर जो भी आपकी मिल रही है आपके आसपास, आप वो लेते हैं। कैरेट को वॉश किया, पील किया, और उसको आपने इस तरह से कद्दूकस जब करते हैं तब उसका आपने जूस निकाल लिया। जूस निकालने के बाद आप उसके अंदर डालेंगे फ्रेश एलोवेरा जेल। मैं घर का बनाया हुआ यूज करती हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट बेस ले सकते हैं, सिर्फ उसको ट्रांसपेरेंट वाला लीजिएगा, कलर्ड मत लीजिएगा। ठीक, तो ये ले लिया। इसके बाद सिर्फ 4 से 6 ड्रॉप चाहिए बस। अगर आपके पास बादाम रोगन नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग ये विटामिन ई का कैप्सूल रेड मिले या ग्रीन मिले वो आपको आराम से केमिस्ट की शॉप पे मिल जाता है, आप वो एक लेकर डाल सकते हो। अगर विटामिन ई भी नहीं है, बादाम रोगन भी नहीं है, और आपके पास अगर ग्लिसरिन है तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, वो भी आपको सिर्फ 2 से 4 बूंद डालनी है। देखिए, अगर अब मैं इसको मिक्स करके दिखा रही हूँ आपको कि ये देखने में कैसा लगेगा, अगर आप रात को सोते हुए इसको लगा के सो जाएं, आपकी स्किन के लिए बहुत ही प्यारा एक मॉइस्चराइजर है। अगर आप सुबह नहा के चुके हैं तब भी आप नहाने के बाद इसको लगा सकते हैं। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। अच्छे से लगा के दिखाते हैं। क्योंकि इसमें कुकुम्बर, ये जो हमारा कैरेट था उसका जूस है, तो थोड़ा सा आप देखोगे कि ऑयल और वाटर दोनों चीज़ें हो गई। तो जब भी आप इसको, या तो आप अपनी स्प्रे बॉटल में रख सकते हो या जिसमें भी आप रख रहे हो, कोशिश करना कि ग्लास की हो जो वो चीज़ जिसमें भी आप रख रहे हो या स्प्रे बॉटल में रख सकते हो, तब आप इसको यूज़ करते हो। 2 से 4 मिनट अगर आपने बस इसकी हल्के हाथ से मसाज की तो ये पूरा का पूरा आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, और ये इस तरह से पूरा का पूरा आपकी स्किन इसको सोक कर लेगी। फिर आप आराम से सो सकते हो, नहाने के बाद लगा सकते हो, रात को सोते हुए लगा सकते हो। यूज करने के बाद जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू।